हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल स्टूडेंट। मैं अभी रियल आंसर्स की सीरीज चला रहा हूँ जहां पर मैंने काफी सारे वीडियोज रियल आंसर्स पर अपलोड कर चुका हूँ और आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि जो सिक्वेंस होती है वो कौची सिक्वेंस क्या होती है प्लस उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। पर इससे प्रीवियस जो वीडियोस हैं जो सिक्वेंस में मैंने अपलोड किए हैं प्लस और भी जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता रखे हैं तो वो एक बार आप आईटी पे जाके देख लीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट समझने में आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। सो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने स्टार्ट करूंगा कौची सिक्वेंस और कौची सिक्वेंस के बारे में हम बात करेंगे कि कौची सिक्वेंस होती क्या है। इससे पहले थोड़ा सा जो मैंने वीडियो समझा रखा जहां पर मैंने बताया था कि लिमिट ऑफ सिक्वेंस एंड लिमिट पॉइंट ऑफ सिक्वेंस क्या होता है वो एक बार आईटी पे जाके देख लीजिएगा तो आपको ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो अगर कोई भी सिक्वेंस है उसकी अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही तो वो सिक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, और अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो कौची सिक्वेंस होती है। अल्टीमेटली ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो सिर्फ कौची सिक्वेंस होती क्या अल्टीमेटली वो की भी डेफिनेशन है जो कन्वर्जेंट सिक्वेंस की होती है उसी को यहाँ पे अलग तरीके से समझा रखा। तो सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, लेट एन बी ए सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर, देन एन इज सेट टू बी ए कौची सिक्वेंस इफ फॉर इच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन जीरो बिलोंग्स टू एन। इसमें मैंने इससे पहले जो आपके सामने लिमिट की डेफिनेशन बताई थी जहां पर मैंने बताया था कि सिक्वेंस की अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो कन्वर्जेंट होगा तो वहां पर मैंने बोला था कि एक ऐसा एम एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। यहां पर एम की जगह एन जीरो आ रहा है, राइट, कि एक ऐसा एन जीरो एग्जिस्ट करना चाहिए जहां पर इसका जो डिफरेंस है एम माइनस एन लेस देन एप्सिलॉन है ना फॉर ऑल एम एंड एन ग्रेटर देन एन जीरो, मतलब उस एन जीरो से बड़े हमारे पास ऐसे एम और एन होंगे जहां पर इसका जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। कुल मिला के अगर बात करें यहां पे कि एम और माइनस एन जैसे जैसे हम यहां पे इसकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, राइट। मतलब ये एप्सिलॉन क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, राइट। जितना छोटा होगा उतना वहां पर क्या कर जाएगा, उस पॉइंट पर जाके क्या कर जाएगा, ये कन्वर्ज कर जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास कौची सिक्वेंस का कंसेप्ट होता है। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक और डेफिनेशन है कौची सीक्वेंस की, अ सीक्वेंस एन इज सेट टू बी ए कौची सीक्वेंस फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर पी फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन सच दैट ए एन प्लस पी माइनस एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल पी ग्रेटर देन जीरो। मतलब बात वो की हुई हुई, यहाँ पे हम एम और एन ले रहे थे, यहाँ पे एम की जगह यहाँ पे क्या कर दिया, एक पी ले लिया, लाइक एन प्लस पी हो गया, राइट। तो अल्टीमेटली वो की हुई चीज है जिसको यहाँ पे अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है ना। एक एग्जाम्पल देखते हैं उससे समझने की कोशिश करते हैं, राइट। एन इज इक्वल टू वन बाय एन हमारे पास एक सिक्वेंस दे रखी है और आपको ये प्रूव करना है कि ये कौची सिक्वेंस है, तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा यही प्रूव करना है कि सिक्वेंस क्या कर रही है, कन्वर्जेंट, कन्वर्ज कर रही है, राइट। तो डेफिनेशन हमारे पास कौची सिक्वेंस की लेनी पड़ेगी, क्लियर है। तो हम जानते हैं कि ए एम इज इक्वल टू हमने वन अपॉन एम ले लिया, राइट, एन की जगह एम ले लिया क्योंकि हमें डेफिनेशन में हम जानते हैं कि यहाँ पे एम माइनस एन होना चाहिए, राइट। तो वही हम लेंगे यहाँ पे कि एम इज इक्वल टू वन अपॉन एम और एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन लिया। इसमें हम जानते हैं कौची सिक्वेंस की डेफिनेशन से कि अगर एम इज ग्रेटर देन एन है ना तो एम माइनस एन लेंगे तो एम की वैल्यू वन अपॉन एम है एंड वन अपॉन एन इसका डिफरेंस लेंगे। इसमें डिफरेंस लेके इसका हमने एलसीएम लिया, एम एन आएगा, राइट। और अगर एम एन से बड़ा है ना तो इसकी जो वैल्यू होगी वो वन अपॉन एन से क्या होगी, छोटी होगी, राइट। तो वन ये हम क्या कर सकते हैं, इसको वन अपॉन एन लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू वन अपॉन एन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम माइनस ए एन लेस देन इक्वल टू वन अपॉन एन आ गया और इसको हमने एप्सिलॉन मान लिया। तो इसमें यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, मतलब एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी एन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो एन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वन बाय एप्सिलॉन आ जाएगी, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा एन जीरो एग्जिस्ट कर जाएगा है ना जिसके लिए वन अपॉन एम माइनस वन अपॉन एन लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। इसका मतलब ये जो सिक्वेंस होगी ये हमारे पास क्या होगी, कौची सिक्वेंस होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, पे एक थ्योरम है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, एवरी कन्वर्जेंट सिक्वेंस इज कौची सिक्वेंस। और अंडरस्टूड है कि अगर कोई भी सिक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी कोई ना कोई लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कौची सिक्वेंस हो जाएगी, है ना। तो सुनिए यहाँ पे, लेट एन बी ए कन्वर्जेंट सिक्वेंस है ना, देन वी हैव टू प्रूव ए एन इज ए कौची सिक्वेंस। तो यहाँ पे जो कौची सिक्वेंस की डेफिनेशन है वो हमें लेनी पड़ेगी। तो गिवन दैट ए एन इज ए कन्वर्जेंट सिक्वेंस देन लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी ए एन इज इक्वल टू, अगर एक कन्वर्जेंट सिक्वेंस है तो ऑब्वियसली किसी एक पर्टिकुलर लिमिट पे जाके कन्वर्ज करेगी, मान लीजिए वो एल है ना। बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट फॉर एवरी ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट एम जीरो बिलोंग्स टू एन सच दैट क्या होगा, हमने ए एन माइनस, चूंकि ये एल पे कन्वर्ज कर रही है तो ए एन माइनस एल, इसमें यहाँ पे क्या होगा, एन माइनस एल लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे हमने एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाय टू ले लिया है ना, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम जीरो, राइट।
अब यहाँ पे क्या करा हमने, एन गड़ दे, अब हमने यहाँ पे एम और एन लिया क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये कोची सीक्वेंस है, तो हमें यहाँ पे एम और एन लेना पड़ेगा, राइट। तो एम एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम जीरो सच दैट देन, मतलब ए एन माइनस एल लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय टू एंड एन, यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट यहाँ पे एम और एन है, तो यहाँ पे एम लेंगे हम और यहाँ पे हम एन लेंगे, राइट, दोनों के लिए करना पड़ेगा, राइट। ये हमने एन के लिए करा, अब हम एम और एन के लिए करेंगे, तो हमारे पास ये आएगा और ये आएगा, राइट, है ना। अब हमें डेफिनेशन कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन लेके आनी है, और कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, मोड ऑफ एम माइनस एन लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, राइट। तो वही हमारे पास यहाँ कंसेप्ट हम यूज करने वाला है। तो इसमें क्या करेंगे, एम माइनस एन, और हम क्या करेंगे, एम माइनस एन में हमने एल को एड किया और एल को सब्ट्रैक्ट किया, राइट। अब एल को एड किया, एल को सब्ट्रैक्ट किया, तो हम इसको एक साथ लिख देंगे और इसको इसके साथ लिख देंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये ए एम माइनस एल आ जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ए एम माइनस एल आ जाएगा, और हम मोड लगा देंगे तो हम जानते हैं कि लेस देन इक्वल टू अलग अलग मोड हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल हो जाएगा, राइट। अब हम जानते हैं इसकी वैल्यू एप्सिलॉन बाय टू है, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन बाय टू है, तो यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन बाय टू प्लस एप्सिलॉन बाय टू हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, मतलब फॉर ऑल एम एंड एन, मतलब ऐसा कोई एम जीरो एग्जिस्ट करेगा जिससे बड़ा एम और एन पे ये क्या जा रहा है, ए माइनस एन लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो ए एन सिक्वेंस होगी ये क्या होगी, कोची सिक्वेंस होगी। तो इस तरह से यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। सो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सुन यहाँ पे, और ये क्वेश्चन देखने की जरूरत है, शो दैट द सीक्वेंस ए एन, देखो यहाँ पे सीक्वेंस ए एन दे रखी, पर ये जो सीक्वेंस है ये सीरीज फॉर्म में दे रखी है ना, मतलब ए वन ए टू ए थ्री पे अलग अलग सीरीज आएगी, है ना। ए वन सीरीज, ए वन पे हमारे पास क्या टर्म आएगी, देखो मैं बताना चाहता हूँ कि ए वन पे हमारे पास जो टर्म आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ वन रखेंगे, राइट। तो वन रखेंगे तो आएगा वन बाई टू, राइट, है ना, प्लस वन बाई थ्री, इस टाइप से हमारे पास सीरीज आएगी, राइट। फिर हम ए टू लिखेंगे तो इसकी सेकेंड टर्म ही आएगी, राइट, तो ये आएगा हमारे पास 1 बाई थ्री, 1 बाई फोर, इस टाइप से आएगा। फिर A3 हम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 बाई फोर, राइट, प्लस 1 बाई फाइव, तो ऐसे हमारे पास अलग अलग टर्म आती जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो रही है, एक सीरीज की फॉर्म में हमारे पास एक सीक्वेंस बनती जा रही है, क्लियर है, जहां पर इसकी टर्म A1, A2, A3 इस टाइप से टर्म आ रही है। तो आपसे बोला जा रहा है कि शो दैट दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इसलिए आपको प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड इज बाउंडेड बाय अबव वन, है ना, तो मतलब ये बाउंडेड अबव बाय वन है, एंड इट इज ऑल्सो कन्वर्जेंट एंड इट्स लिमिट इज लाई बिटवीन वन बाई टू टू एल वन, राइट। तो आपको ये भी प्रूव करना है कि इसकी जो लिमिट है वो वन बाई टू से वन के बीच में क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, क्लियर है। सो देखिए इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हमने ए एन इज इक्वल टू वन अपॉन, सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये इंक्रीजिंग है या नहीं है, तो ए एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन प्लस वन, वन अपॉन एन प्लस टू, इस तरह से हमने सीरीज ले ली, राइट। हम इसकी अगली टर्म लेंगे, राइट, अगर अगली टर्म ली हमने और अगली टर्म से इसका डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग है, राइट। तो हमने नेक्स्ट टर्म ली, ये ए एन टर्म है तो इसका एन प्लस वन टर्म लिया, देन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि वन है, ये टू है, ये थ्री, ये कोई हमारे पास सिक्वेंस है, राइट। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालू, मतलब टू माइनस वन करूँ, तो ऑब्वियसली अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है मतलब ये इंक्रीजिंग सिक्वेंस है, राइट। तो वही हम करने वाले हैं कि ए एन और एन प्लस वन है, हम दोनों ने इसका डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालेंगे तो हम जानते हैं ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो रही, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो रही, आप देखे हो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो रही, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो ये माइनस ये बचेगी, राइट। तो हम इसको माइनस करें तो वन अपॉन टू एन प्लस वन, वन अपॉन टू एन प्लस टू माइनस वन अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा। इस दुनिया पे इसका हम जानते हैं ये वन बाई टू एन प्लस वन है, तो ये आधा और ये एक है, तो माइनस वन बाई टू एन प्लस वन हो जाएगा। इसको एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी और ये हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, राइट। तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो सिक्वेंस है ये हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग सिक्वेंस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो सिक्वेंस है ये क्या है, बाउंडेड सिक्वेंस है, क्लियर है। तो बाउंडेड हमारे पास क्या, अबव है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये सिक्वेंस है कि एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन प्लस वन, वन अपॉन एन प्लस टू, ये सिक्वेंस है कि, अब हम जानते हैं कि जो एन प्लस वन है ये हमेशा एन से बड़ा होता है ना, एन प्लस टू है ये भी हमेशा एन से बड़ा होता है, एन प्लस एन है ये भी हमेशा एन से बड़ा होता है। तो जहां पर भी n प्लस वन है इस सीरीज में हम क्या करते हैं, जहां पर n प्लस वन है वहां पर n रख देते हैं, जहां पर n प्लस टू वहां पर भी n रखते हैं, तो इसका मतलब ये बड़ा है। तो अल्टीमेटली हमारे पास अगर हम इसको ऐसा करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, राइट, तो हम जानते हैं कि वन अपॉन n इज ग्रेटर देन वन अपॉन n प्लस वन हो जाएगा, राइट। तो यहां पे इसको हम उल्टा लिख दें या ऐसा लिख दें, वन अपॉन n प्लस वन इज लेस देन वन अपॉन n, तो यही हम कर रहे हैं यहां पे कि n प्लस वन है तो ये क्या हो जाएगा, वन बाय n ग्रेटर देन हो जाएगा, हर जगह हम n n रख देंगे तो अल्टीमेटली ये जो हमारे पास टर्म आएगी क्या आएगी, वन बाय n, वन बाय n, वन वन आएगी, और ये n टाइम्स है तो सुनिए n बाय n हो जाएगा, और यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, है ना। इसका मतलब जितनी भी हमारे पास टर्म आएगी वो क्या आएगी, एक से छोटी आएगी, राइट। तो इसका मतलब ये जो सीरीज होगी क्या आएगी, बाउंडेड अबव होगी और वो वन से बाउंडेड अबव होगी, राइट, मतलब जितनी भी टर्म आएगी वो सब एक से छोटी होगी। नाउ हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसकी जो
लिमिट है वो 1/2 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, वी नो दैट, ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पे करेंगे, अभी हमने थोड़ा सा यहाँ पे ये लिया था कि n प्लस वन एन से बड़ा है, अब हम यहाँ पे लेंगे कि n प्लस वन 2n से छोटा है, है ना। अभी देखो, अभी हमने बाउंडेड अबव लेना था इसलिए हमने ऐसा करा, अब बाउंडेड हमें बिलो चेक करना है कि लाइक इसकी जो वैल्यू है वो किससे बड़ी होगी, राइट। तो हमें क्या करेंगे, n प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू 2n होगा, n प्लस टू इज लेस देन इक्वल टू 2n होगा, हर एक से 2n 2n होगा। तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, ये जितनी भी टर्म्स है ना उसमें यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह 2n 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 लिखते जाएंगे ना, और ये एन टर्म्स है तो ये आ जाएगा एन अपन 2n, इसमें एन से एन कैंसिल हो गया तो 1/2 होगा, इसका मतलब 1/2 से क्या होगा, ये बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, राइट। तो इसकी जो लिमिट होगी वो 1/2 और 1 के बीच में लाई करेगी, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम प्रूव करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, रियल एक और क्वेश्चन समझने की जरूरत है। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे, शो दैट द सीक्वेंस दिस एन इज वेर एन इज इक्वल 1/1 × 1/2 × 2 ये दे रखा है, इस कन्वर्जेंट, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, कन्वर्जेंट है। तो स्टूडेंट सीक्वेंस को कैसे हम प्रूव करेंगे, पर आपको ये पता लगाएंगे सबसे पहले हमें कन्वर्जेंट प्रूव करना, तो हम ये प्रूव करेंगे कि इंक्रीजिंग है, राइट। और फिर हम ये बात करेंगे कि ये सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे बाउंडेड है, क्लियर है। अगर हम ये प्रूव कर लें कि सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड अबव है और इंक्रीजिंग है, तो कहीं ना कहीं जाके किसी एक पॉइंट पर रुकेगी, और ऑब्वियसली रुकेगी तो वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, राइट। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हम ये सीक्वेंस प्रूव कर रहे हैं कि ये हमारे पास सीक्वेंस क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है, राइट। और इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये इंक्रीजिंग है और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं जाके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, राइट। तो इस लॉजिक से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, क्लियर है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पे 1/1 × 1/2 × 1/3 × 1/n दे रखा है। हम जानते हैं कि जो n फैक्टोरियल होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2n-1 होता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं, बाद में आगे यूज करेंगे, पर पहले हमें ये प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग में हमने अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि n, अगर इसकी n प्लस वन टर्म है, अगर वो an से बड़ी है तो मतलब इसका डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है, एन प्लस वन माइनस एन का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये इंक्रीजिंग है, तो हम डिफरेंस निकालेंगे। तो इसमें एन प्लस वन टर्म ये आ जाएगी और इसका डिफरेंस निकालेंगे, ये सभी टर्म से ये सभी टर्म कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास ये आएगा, और हम जानते हैं ग्रेटर देन जीरो होता है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस होगी क्या होगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। अब हम यहाँ पे इसका निकालेंगे अपर बाउंड, राइट, कि इसका बाउंडेड अबव है कि नहीं, राइट। तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये सीक्वेंस SN लेंगे यहाँ पे, राइट। और हम जानते हैं, अभी मैंने आपके सामने बताया था कि n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2n-1 होगा, तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाला है। तो इसमें यहाँ पे जहाँ पर भी n है, n फैक्टोरियल, वहाँ पे हम 1 रखेंगे, है ना, 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 2^0 मतलब 1 हो जाएगा, राइट। तो ये 1/1 आएगा, फिर 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो इसमें यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2n-1। तो एक्चुअली आपको करना क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ कि 2n-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1/n = 1/2n-1, राइट। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास ये 1/2 फैक्टोरियल की टर्म लिखनी है, राइट। तो 2 फैक्टोरियल की टर्म लिखनी है, तो इसको हम लेस देन इक्वल टू हम लिख सकते हैं, n की जगह 2 रखेंगे तो ये 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/2 हो जाएगा, राइट। तो इसकी जगह 1/2 हो जाएगा, इस तरफ से 1/3 फैक्टोरियल को 1/2 स्क्वायर, इस तरफ से हमारे पास टर्म आ जाएगी। हम जानते हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, GPA, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, फाइनाइट GPA, मतलब अप टू n जा रहा है, क्लियर है। तो हम इस जानते हैं कि इसका जो सम होगा वो कितना होता है ना, 1-r/n / 1-r होता है, और यहाँ पे आगे a आता है, पर इसकी फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 1 ही है, तो इसमें 1 आएगा, और इसका 1/2 क्या है, r है ना, तो 1-1/2 / n-1/2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, मैं आपको थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। सुनिए, 2 है, ये आएगा हमारे पास 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2 1-2 / n आ जाएगा यहाँ पे, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 से छोटी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली 1/2 इससे 1 से माइनस होता जाएगा, तो अल्टीमेटली 1 से मतलब इसको 2 से कम देगा, राइट। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो ये सीक्वेंस जो है ये क्या आ रही, 2 से छोटी आएगी सभी टर्म यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगी, बाउंडेड अबव हो जाएगी, एंड द सीक्वेंस इज बाउंडेड, hence it is a convergent, right? तो हम जानते हैं कि सीरीज जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है, इट मीन्स ये सीक्वेंस क्या होगी, हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, राइट। तो स्टूडेंट इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। तो मैंने अभी आपके सामने सिखाया कि जो कोची सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, प्लस कैसे हम उस पर उससे कंसेप्ट से हम यहाँ पे क्वेश्चन को प्रूव करते हैं कि सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट है, प्लस मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके बताया। मुझे लगता है कि आपको जो मैंने समझाया वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा। सुन, लास्ट में मेरी वीडियो से ये देख सकते हैं, सुनिए मेरा एप्टीट्यूड, और जो IIT-JAM और गेट पे मैं नए वाले चैनल पे काम कर रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। सुनिए मेरा पुराना चैनल जहाँ पर मैं रियल आंसर्स की बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए, मॉडल अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, बहुत सारे कंसेप्ट पे मैंने काम कर रखा है, तो ये आप देख सकते हैं। सुन, दोनों मेरे चैनल है, ये मेरा नया चैनल जिस पर भी काम कर रहा हूँ मैं एप्टीट्यूड और IIT-JAM पे, और ये मेरा पुराना चैनल जहाँ पर मैं हायर मैथ्स की वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।